Hey guys, welcome back to my channel Bhakti Ki Pyali. So guys, hope you all are good. So today I am come up with another exciting video. तो guys, आज का जो video होने वाला है ना, वो होने वाला है एक makeup tutorial, जिसमें मैंने आपके साथ ये जो look मैंने अभी create किया हुआ है, इसी को share किया है और step wise पूरा makeup tutorial मैंने बनाया है. So if you guys are interested, then keep on watching. ये जो makeup look है ना, इसको आप किसी भी Indian functions में wear कर सकते हो, किसी भी festival में इसको आप carry कर सकते हो और office going girls के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि अगर आप कुर्ती पहनना पसंद करते हो तो ये वाला लुक लेना तो डेफिनेटली बनता है. ये थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा बोल्ड लाइनर लगाया है और हैवी झुमके पहने हैं और ब्लैक चिकनकारी की कुर्ती पहनी है, जिस वजह से थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है. सो या विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स जंप इन द वीडियो और देखते हैं कि कैसे मैंने इस लुक को क्रिएट किया है. वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, डू कॉमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को. आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोज़ कर आती रहूँगी. और इस मेकअप लुक को क्रिएट मैंने जिन भी प्रोडक्ट को यूज़ करके किया है वो इसके अंदर है. इसके अंदर लाइक मेरा मॉइस्चराइजर है, ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट है, आई शेडो पैलेट है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो ये सब इसके अंदर है और आईलाइनर वगैरह सब कुछ इसी के अंदर है. ये है मेरे ब्रशेस. सो या बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मेकअप को भी शुरू करते हैं. गाइस, मैंने अपने कैमरा को क्लोजअप कर लिया है और मैं काफ़ी करीब से दिखाने वाली हूँ और आप देख सकते हो कि मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है, पिम्पल के और एक्ने के. यहाँ पर मेरा एक्ने और यहाँ पर भी देख लो आप, पिगमेंटेशन है. मिरर जो है वो इधर रखा हुआ है, इसीलिए मैं इधर ही देखकर मेकअप करने वाली हूँ. तो आप देख लीजिए मेरी स्किन जो है ये विदाउट मेकअप है, मतलब मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना टोनर ना सिरम, मैंने कुछ भी नहीं लगाया. ये बिल्कुल मेरा ऐसा रियल फेस है. तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर और दिस इज़ परफेक्ट फॉर माई स्किन टाइप और आई ऑलवेज प्रिफर दिस टोनर. बस बायोटिक का टोनर भी है लेकिन मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि यही मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. टोनर को यूज़ करने के लिए ना मैं कभी लाइक कॉटन पैड या कुछ यूज़ नहीं करती, मैं अपने पाम्स को यूज़ करती हूँ और इसी से अपने फेस पर रोज़ वाटर को लगा के डैब डैब करती हूँ. इट्स हेल्प टू इंक्रीज योर ब्लड सर्कुलेशन. सो यहाँ पर मैंने ना टोनर यूज़ कर लिया, आप देख लो, और ये बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है. देन अब मैं लगाऊंगी फेस सीरम. तो फेस सीरम के लिए मैं यहाँ पे ये NYB का विटामिन सी फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ. इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी. मैंने इसको पर्पल से बाय किया है तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना. सो आपको इसके 3 से 4 ड्रॉप अपने फेस पर ऐसे करके लेना है और इसको ऐसे ड्रॉप आउट करना है अपने स्किन पर. अब इसको अपने फिंगर की हेल्प से इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको मसाज कर लेना है. मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर लिया और ये बहुत ही इजीली अब्जॉर्ब हो चुका है, बहुत ग्रीजी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है. सो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है. सो अब मैं यूज़ करूँगी ये सनस्क्रीन और ये है लैक्मे सन एक्सपर्ट का सनस्क्रीन और इसका SPF है 50 UVB और ऑल टाइप स्किन के लिए है ये. तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी. हाँ, इसको यूज़ करने के बाद ना ये थोड़ा सा वाइटिश लुक देता है, तो मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन में यही प्रॉब्लम होती है. सो इसको मैं मसाज कर लूँगी और अपने इस पूरे स्किन पर इवनली इसको अप्लाई कर लूँगी. सनस्क्रीन मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है. सो हाइड्रेशन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल एंड इट इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड. और एलोवेरा जेल ना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लाइक आपकी स्किन को इतना स्मूथ टेक्सचर देता है ना, तो एलोवेरा जेल आप लगा सकते हो, कोई भी ब्रांड का लगा सकते हो. मैं यहाँ पे पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ. सो मैंने ना यहाँ पर प्राइमर यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैंने प्राइमर को स्किप किया है. बट मेरे पास यहाँ पर मैक का प्राइमर है, बट मैं इसको स्किप कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एलोवेरा जेल. हालांकि एलोवेरा जेल जो है प्राइमर का काम नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, वो हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं कर पाता, उसके लिए आपको प्राइमर ही लगाना पड़ेगा. एलोवेरा जेल जस्ट आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है. मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया है अच्छे से. सो गाइज, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र और मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लिया है बेबी मॉइस्चराइज़र. ये है जॉनसन्स बेबी लोशन. क्लेम करता है कि बेबी सॉफ्ट स्किन ऑल डे लॉन्ग, तो ये काफ़ी ऑयल बेस्ड है और ये मॉइस्चराइज़र के लिए बहुत ही अच्छा है. अगर आप इसको फेस पे यूज़ करते हो ना, बहुत अच्छा है. और जैसा कि आपको पता है कि ये बेबी लोशन है तो आपके स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ, इसीलिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ. मैंने इसको अच्छे से अपने स्किन पे इवनली अप्लाई कर लेना है.
स्किन इतना ज़्यादा ऐसे प्लेन एकदम स्मूथ हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। निविया का मॉइस्चराइजर है बट मैंने उसको यूज़ ना करके लोशन लिया है। सो मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई कर लिया है। अब जो मेरे स्पॉट्स हैं उनको हाइड करने की बारी है, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर करेक्टर। और ये डस्की स्किन टोन के लिए सबसे परफेक्ट है। जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो डस्की स्किन कॉम्प्लेक्शन है, इसीलिए मैंने ऑरेंज वाला ही लिया है। जहाँ भी मेरे डार्क स्पॉट है मैं वहाँ पे इसको यूज़ करूँगी। तो मैंने कलर करेक्टर यूज़ कर लिया है। अब मैं ये जो पिंपल स्पॉट्स है इस पर मैं फिंगर टिप से डैप डैप के मोशन में इसको ब्लेंड करूँगी, और जो मेरे डार्क सर्कल्स पे जो मैंने अप्लाई किया है उसको मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगी। कोई ऐसा रगड़ना नहीं है इसको, जस्ट डैप डैप के मोशन में उसी जगह पर इस तरीके से कर देना है। मैं आपको बताना भूल गई, जो कलर करेक्टर मैंने यूज़ किया है वो है प्रो कंसील HD हाई डेफिनेशन कंसीलर, और इसका शेड जो है वो ऑरेंज है। इसी को मैंने अप्लाई किया है अपने डार्क स्पॉट्स पे। और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन, ये है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। इसका जो शेड है वो है 310 सन बेज, और ये डस्की स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। तो मेरा डस्की स्किन टोन है इसीलिए मैंने इसी को पिक किया है। सो अब मैं इसको ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है अपने फेस पे, जितना भी फाउंडेशन था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। गाइज काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके ना फाइन लाइंस बन जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए, आप ना ऐसे करना, और जो भी फाउंडेशन आपकी वहाँ पे स्टक हो गया है उसको आप इस तरीके से बहुत ही स्मूथली ब्रश से ब्लेंड कर दीजिए। अपने कानों को ना भूले बिल्कुल भी, और सबसे ज़रूरी अपने नेक को बिल्कुल नहीं भूलना। नेक को तो याद रखना है, ये कई लोग क्या करते हैं नेक पे नहीं लगाते, जिसकी वजह से ना उनका फेस काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, नेक बिल्कुल ही अलग लगता है दिखने में। तो यहाँ पे नेक पे मैंने अप्लाई कर लिया है। सो फाउंडेशन मैंने यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। तो अब मैं करने वाली हूँ आई मेकअप। सो गाइस आई मेकअप करने से पहले आप थोड़ा सा पाउडर लेकर ना अपने आँखों के ऐसे नीचे लगा लें। सो यहाँ पर मैंने आई मेकअप के लिए लिया है ये आई शेडो पैलेट, ये है स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शेडो पैलेट, और इसके अंदर ना ऐसे 9 शेड्स अवेलेबल हैं। ये देख पीच कलर, थोड़ा डार्क पीची सा लग रहा है ये, इसको यूज़ करूँगी। ये वाला मैंने यूज़ कर लिया है अपने आईज़ पे। अब इसके ऊपर मैं कॉर्नर से ना मैं ये ब्राउन शेड लूँगी, ये वाला ब्राउन शेड। इसी ब्रश की हेल्प से मैं ये ब्राउन शेड लेकर अपने कॉर्नर पे लगाऊंगी। अब मैं इस पर ये शिमरी पीच शेड लगाऊंगी, ये शिमर है थोड़ा सा स्पार्कल वाला है, तो इसी को मैं लेकर अपने यहाँ लगाऊंगी पीच में। तो यहाँ पर मेरा आई मेकअप जो है वो रेडी है, आप देख सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वाले को भी कंप्लीट करके आती हूँ। सो गाइज मेरा आई लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी आती है आईब्रोज की, और मेरी जो हेयर ग्रोथिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। हैव नॉट डन माई आईब्रोज, जिसकी वजह से मैं बहुत ही हल्का इसको टचअप देने वाली हूँ। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ये ADS का ब्लैक पेंसिल, बहुत ही लाइट इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ, जिसकी वजह से बहुत ओवर ना दिखे, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ना दिखे। इसको थोड़ा सा लंबा बनाने के लिए देख सकते हैं आप इस तरीके से, और इसको एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत ही हल्का हल्का अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो है वो रेडी है, अब मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आईब्रोज जो है वो मेरे हो चुके हैं पूरे। अब जो बारी आती है वो आईलाइनर की, और आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्लू हेवन का आईलाइनर, वाटरप्रूफ है ये, और ये तो आई थिंक सबके पास होता है, मतलब कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जिसने ब्लू हेवन का ये वाला ब्लैक आईलाइनर यूज़ नहीं किया। तो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है, बेसिक मेकअप के लिए बहुत ही परफेक्ट है ये, और बहुत ही अफोर्डेबल है। तो मैंने यहाँ पे आईलाइनर जो है वो अप्लाई कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड आईलाइनर मैंने यहाँ पे लगाया है, देख सकते हो।
सो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये पैलेट, और ये ना मैंने किसी लोकल कॉस्मेटिक शॉप से लिया था, ये SFR का है। और इसमें जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ये पिंकिश शेड। ऐसे आपको थोड़ा सा ऐसे ना स्माइल करना है ताकि जो आपके ये चीक बोन्स हैं ये थोड़े से ऐसे पफ हो जाए। सो मैंने यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर लिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कॉम्पैक्ट पहले क्यों नहीं यूज़ किया, यानी मैंने पाउडर पहले क्यों नहीं लगाया और मैं पहले ब्लश क्यों लगा रही हूँ। इससे क्या होता है ना, ये आप जब बाद में लगाते हो तो एकदम से हाईलाइट हो जाता है, तो हाईलाइट होने की वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कराता है। तो इसीलिए मैं ब्लश पहले लगाती हूँ, देन उसके ऊपर से मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ ताकि मेरा जो ब्लश है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड ना रहे और बहुत ज़्यादा एकदम सबकी आंखों में ना आए, काफ़ी सॉफ्ट सा एक लुक दे। अब मैं इसके ऊपर से लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर। लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन फिट मी। अब मैं थोड़ा सा पाउडर लूँगी और जो इसका एक्स्ट्रा है उसको भिगा दूँगी, और नेक को तो बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि नेक की वजह से आधा इंप्रेशन तो आपका वैसे ही ख़राब हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा ना काजल अप्लाई कर लूँगी क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, तो थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया है। हो गया है, मैंने अप्लाई कर लिया है। अब बारी आती है लिपस्टिक की। सो मैंने यहाँ पर लिया है ये ADS प्रो मैट एडिशन, और इसका शेड जो है वो है 409। काफ़ी अच्छा है, लाइक एकदम क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपके लिप्स को एकदम ड्राई नहीं करता। सो लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर लिया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट सा लग रहा है बट ये जैसे ही ड्राई हो जाता है पूरी तरीके से तो ये एकदम आपके लिप के साथ एकदम अटैच हो जाता है, और फिर इसका जो कलर है वो बिल्कुल अपने नॉर्मल कलर में आ जाता है और काफ़ी अच्छा लुक देता है। अब लास्ट जो थिंग है वो है हाइलाइटर। ये उसी ब्लश पैलेट में मेरा हाइलाइटर है, गोल्डन है स्किन है, और ये पीच कलर का हाइलाइटर है। थोड़ा सा पीची कलर जो है इसको यूज़ करने वाली हूँ, और मैं ये हाइलाइटर ब्रश को लेकर आईज़ के इनर कॉर्नर पर यूज़ करूँगी। इसी को मैं नोज़ पर भी अप्लाई करूँगी, आईब्रोज के इधर भी यूज करूंगी। सो मेकअप जो है वो मेरा कंप्लीट है। लास्ट है बिंदी, आई हैव डन। अब जो है मैं अपने ज्वेलरीज वगैरह पहन लेती हूँ और अपने बालों को अच्छे से तैयार करके आती हूँ, फिर आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। यहाँ मेरा फुल मेकअप है और आप देख सकते हो कि मेरी जो लिपस्टिक है उसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो गया है, और ब्लश जो है वो काफ़ी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं लग रहा, काफ़ी सॉफ्ट लुक है, और ये ब्लैक चिकनकारी कुर्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप कोई भी हेयर स्टाइल भी बना सकते हो, अगर आपको हेयर स्टाइल करना है तो आप हेयर स्टाइल बना सकते हो, मेरा तो यही सिग्नेचर हेयर स्टाइल है तो मैं इसी को मोस्टली ट्राई करती हूँ। और अगर आपको मेरे झुमके पसंद आ रहे हैं तो मैं झुमकों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ ही इसके ऊपर मैंने रिव्यू भी शेयर किया है वो वाली वीडियो, अगर आपको देखनी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आप मेरा मेकअप देख सकते हो, ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा आप मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कुछ भी पूछना हो या कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और गाइज एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि मैंने मस्कारा भी यूज़ किया है, मैंने ब्लू हेवन का ही यूज़ किया था।